नमस्कार दोस्तों, अशोक्स किचन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सोया चाप की सब्ज़ी। यह बहुत ही दार सब्ज़ी होती है और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स भी होती है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे हमने सोया चाप ले लिया है, ये हमने ऑनलाइन मंगवाया है अमेज़ॉन से और बहुत ही बढ़िया होता है ये और सस्ता भी मिल गया है। मैं इसका लिंक दे दूँगा। अगर लोकल मार्केट में आपको ख़रीदने में दिक्कत आ रही तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। सोया चाप देखिए हमने निकाल लिया है यहाँ पे। अब इसको आइसक्रीम स्टिक्स लगी होती है इसमें, इससे इसको निकाल लेंगे, इस तरीके से खींच करके अलग कर लेंगे। देखिए हमने इसको अलग कर लिया है, स्टिक अलग कर दी है। अभी भी हमारे पास 6 पीस बच गए हैं। देखिए इसको कट कर लेंगे। देखिए अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए सबको कट कर लिया है हमने। यहाँ पे हमने 3 प्याज, 5 टमाटर, 2 हरी मिर्चें ली हैं। प्याज टमाटर को पीस लिया है, मिर्चों को तोड़ के डालेंगे। और यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लिया है, मीडियम लो फ्लेम पे गरम है तेल ये। अब इसमें हम सोया चाप जो कटे हुए हैं इनको डाल करके फ्राई करेंगे और इनको मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाएं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी लेयर्स होती हैं, परतों में होते हैं ये, और वो खुल जाएं और ताकि ग्रेवी का सारा फ्लेवर इसमें जाए पकाते समय, एक तरफ से सुनहरा हो जाए, हल्का सुनहरा। तो इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हल्का सुनहरा कर लेंगे इसको। और ये काम आपको मीडियम लो फ्लेम पे ही करना है। देखिए हमारा फ्राई हो गया है दोनों तरफ से बढ़िया। इसको निकाल लेते हैं। देखिए हमने इसको निकाल लिया है, तेल को हमने कम कर दिया है। अब इस तेल में हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 2 हरी इलायची है, 3 टुकड़े दालचीनी के हैं और 1 तेज पत्ता है। भुन जाने देते हैं। अब इसमें प्याज डाल देते हैं। और हरी मिर्च डाल देते हैं। देखिए जब प्याज आधा भुन जाए, जब आपको लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, 2 चम्मच यहाँ पे लिया है हमने। देखिए अभी फिर इसको भुनेंगे, उससे पहले हम ये मसाले, खड़े मसाले निकाल देते हैं। फ्लेवर आ गया है इसमें तेज पत्ता दालचीनी को, और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए जब इस स्टेज में हो जाए, तेल अलग होने लगे प्याज से, तो समझिए प्याज लहसुन अदरक भून गया है। अभी इसमें पाउडर मसाले डालना है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। फ्लेम को स्लो कर देंगे और मसालों को भून लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए। ये
से मसाले भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट, उसको भी मिक्स कर देंगे। फिर डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। इसको ढक करके अच्छे से पका लेंगे टमाटरों को। ये देखिए काफ़ी ड्राई हो गया है, तेल अलग होने लगा है, टमाटर भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए सोया चाप और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा ग्रेवी में। और इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 2 मिनट के लिए भून लेते हैं सोया चाप को। इसमें डालेंगे पानी, लगभग 3 कप पानी डाल देंगे। थोड़ी सी गाढ़ी लग रही और पानी थोड़ा डाल देते हैं। मैं 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और धनिया कटी हुई, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, नमक पहले भी डाला था उसका भी ध्यान रखेंगे, मिक्स करते हैं। को ढक करके 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए 5-6 मिनट बाद कुछ इस तरह से कलर आया है सब्जी में। अब इसमें 2 चम्मच क्रीम डाल देते हैं, इसको भी मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। इसको ढक के फिर से पकाते हैं 2-3 मिनट के लिए। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, बहुत ही बेहतरीन कलर आया है सब्जी में और सब्जी बिल्कुल तैयार है। इसको मैं आपको एक दिखाता हूँ कट करके अंदर से कैसा है ये सोया चाप। देखिए अंदर से बिल्कुल लेयर्स इसकी खुल चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनी है ये। फ्रेंड्स ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा कैसे लगी आपको ये रेसिपी, और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे हमारी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, धन्यवाद।